मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा चार की क्लास में पार्ट आठ, चतुर चूहा। ओके चलो अपनी किताब को ओपन करो, खोलो। बच्चों आपने अपनी किताब को खोला, चतुर चूहा मतलब चूहा बहुत चालाक है ना। मतलब हम देखते हैं क्यों। एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था, उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, चूहा, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। क्या बोला? चूहा रास्ते में जा रहा था, उसको एक कपड़ा मिल गया, तो उसने क्या सोचा कि मैं इसकी टोपी बनवा लेता हूँ। तो उसने दर्जी के पास में गया और उसने बोला कि दर्जी मुझे टोपी सी दे। दर्जी, ये कौन बोल रहा है? दर्जी को चूहा बहुत छोटा नहीं दिखा, तो उसने बोला कि ये कौन बोल रहा है? चूहा, मैं चूहा चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे। दर्जी, चल रास्ता नाप वरना कैंची उठा कर मारूंगा। चूहा, अरे तू मुझे डरा रहा है? क्या बोला उसने? बोला दर्जी ने कि भाई जा यहाँ से, अभी तो कैंची मारूंगा। तो चूहा ने बोला, तू मुझे डरा रहा है? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। क्या बोला? कि मैं पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस को सिपाही को बुलाकर तुझे मरवाऊंगा और मैं तमाशा देखूंगा। फिर कहा गया आगे, टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा, रास्ते में कसीदादार की दुकान देखी। फिर क्या किया उसने? टोपी सिल दी। फिर आगे कहा गया, टोपी पहनकर मैं चूहा आगे बढ़ा, रास्ते में कसीदाकार की दुकान देखी। चूहे की टोपी में कसीदा कढ़ाने की इच्छा थी, उसने टोपी देख सिल ली, पर क्या प्लेन थी तो उसने क्या उसके ऊपर कसीदा करवाना चाहता। चूहा, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कसीदा काट दे। कसीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल यहाँ से किसी फुर्सत में। क्या बोला? कि भाई यहाँ से जा, अभी मेरे पास में टाइम नहीं है। अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, कचहरी में जाऊँगा, सिपाही को बुलाऊँगा और तुझे पिटवाऊँगा, तमाशा देखूँगा। भाई मैं जाऊँगा पुलिस के पास में, बुलाऊँगा, तुझे मरवाऊँगा। तो ये सुनकर कसीदाकार ने घबराया, उसने चूहे की कचहरी में चूहे को कचहरी में जाने से रोका, उसे टोपी लेकर उस पर अच्छा सा कसीदा काट दिया। चूहा तो खुश हो गया। ये हमारा पार्ट था। अब इसके शब्दार्थ, नाप मतलब माप, झटपट मतलब जल्दी जल्दी, कसीदा मतलब कढ़ाई गूंज, फुर्सत मतलब अवकाश, कचहरी मतलब अदालत, सिपाही मतलब सैनिक, कैंची मतलब गूंज, कसीदाकार मतलब सुई धागे के कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला। फिर ये ऊंची ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। तो देखो बच्चों, ये स्वस्थ मच्छर अच्छा इच्छा, ऊ बुलाऊंगा पिटवाऊंगा जाऊंगा, ई कढ़ाई पढ़ाई और बधाई, ध्या अवध्या ध्यान स्वाध्याय और अध्याय, व्य तो व्यसन व्यापारी वाव्य कर्तव्य। नीचे दिए गए चित्र को मौखिक वर्णन कीजिए। देखो बच्चे, स्कूल के बारे में बताया गया है, तो स्कूल का वर्णन आपको करना है। स्कूल में क्या क्या होता है उसके बारे में सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। दौड़ना, तीर छोड़ना, साइकिल में हवा भरना, गन्ना चूसना, पानी भरने के लिए हैंडपम्प हिलाना, लड्डू खाना। फिर है बच्चों आगे, निम्नलिखित पेशे वालों पर चार चार वाक्य लिखे। दर्जी, तो दर्जी बाबा को वाक्य लिखने के लिए बोलेंगे तो आप कैसे लिखोगे? दर्जी कपड़े सिलता है, क्या बोल देंगे हम? दर्जी कपड़े सिलता है। फिर सिपाही, तो सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं। बढ़ई, बढ़े का क्या करेंगे हम? बढ़े क्या करनाता है? बढ़ई बर्तन बनाएगा। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? चूहा कपड़ा लेकर सबसे पहले दर्जी के पास में गया। चूहे ने दर्जी से क्या कहा? चूहे ने दर्जी से कहा कि इसकी एक टोपी सी दे। कसीदाकार क्या सुनकर घबराया? कसीदाकार चूहे की कचहरी जाने और सिपाही को बुलाने के बाद सुनकर घबराया। चूहा कब खुश हुआ? कसीदा
कसीदाकार द्वारा टोपी पर कसीदा काटने पर चूहा खुश हो गया। कसीदाकार क्या करता है? कसीदा कपड़ों पर कसीदा काटता है। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए। चूहा बिल्ली से डरता है। दुकान में रंग बिरंगी पतंगे हैं। सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं। दर्जी कपड़े सिलता है। टोपी मेरे पास एक टोपी है। कचहरी वकील कचहरी में जाते हैं। अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो क्या करता? टोपी को धुलवा देता, है ना बच्चों? चूहा अगर धोबी के बाद में धोबी का क्या पता है, कपड़े धोने का, तो वो अपनी उसको धुलवा देता। अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो वो उसे अपने गंदे कपड़े धोने के लिए कहता। ओके, अगर दर्जी और कसीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा क्या करता? अगर दर्जी और कसीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो यह सचमुच सिपाही को बुला लाता, है ना बच्चों? तो ये हमारे चैप्टर को हमने पढ़ा और उसके प्रश्न उत्तर भी हमने पढ़े। ओके बच्चों, तो आप इनको देखना। और बच्चों इन प्रश्न उत्तर को आपको आपकी आइडल की किताब है उसमें मैं आपको PDF भेजूंगी, उसमें से उसको आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आप उसमें से देखकर लिख देना। बाय बाय।